इससे पहले हम क्या होते हैं, उसे स्टडी करें एक क्विक रिव्यू लेते हैं व्हाट इज प्रोनाउन और इसके कितने टाइप्स होती हैं. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इनस्टेड ऑफ अ नाउन प्रोनाउन एक वो वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे. अगर और सिंपल वर्ड में बोलूं उसे हम प्रनाउन कहते हैं प्रोनाउन की जो टाइप्स होती हैं वो कौन सी टाइप हैं फाइव टाइप्स हैं पर्सनल प्रनाउन जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिन्हें हम पॉइंटिंग आउट प्रोनाउन भी बोलते हैं जैसे दिस दैट माई ये सब क्या है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन के लिए रेज किए जाते हैं व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन क्या है जो एक नाउन के रिलेशन को सब्जेक्ट के साथ शो करते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या है रिलेटिव प्रोनाउन का जो एक्चुअल फंक्शन है मैं आपको बता देती हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक एक डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है ये एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं जैसे हिमसेल्फ हरसेल्फ ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो आज हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन करने का डिस्कस करने का रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो डब्ल्यू एच फैमिली है ये सिर्फ क्वेश्चन बना सकती है वर्ट है तो ये सिर्फ क्वेश्चन बना सकता है नहीं जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें डब्ल्यू एच फैमिली यूज किया जाता है और ये हमेशा क्वेश्चन के लिए नहीं ये सेंटेंस के मिडल में यूज करके एक पॉजिटिव सेंटेंस के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की थी और रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज मींस कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो प्रोवाइड करेगा मोर इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु हु किसके लिए यूज किया जाता है जनरली पीपल के लिए यूज किया जाता है तो मैं बोलूं द बॉय हु हैज द कंपटीशन इज माय ब्रदर वो लड़का जिसने मैच जीत लिया है मेरा भाई है इसका मतलब द बॉय बॉय जिसने कॉम्पिटिशन जीता है वो मेरा भाई है तो हु क्या है सेंटेंस के मिडल में आया है सब्जेक्ट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अपने आप में यहां से डेफिनेशन इसके ट्रू प्रूफ हुई है बॉय क्या है सब्जेक्ट है हु जिसने क्या किया है वो, उनकी वो मेरा भाई है तो देखिए सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या है दैट ये पीपल प्लेस और थिंग के लिए यूज किया जा सकता है इस दिस द ट्रेन दैट गोस टू डेली क्या ये वही ट्रेन है जो डेली जाती है तो ट्रेन क्या है सब्जेक्ट क्या ये वही ट्रेन है जो डेली जाती है तो ट्रेन सब्जेक्ट है, आगे इसकी स्ट्रेट है गोस like why so मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कारण है जो तुम लेट हो मैं जानना चाहती हूँ सब्जेक्ट क्या है मैं मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों लेट हो तो आगे स्ट्रेच हो रहा है सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के इंडिकेशन है और ये object के लिए भी होता है। बर्थडे गिफ्ट लास्ट संडे ये वही वॉच है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट संडे एज अ बर्थडे गिफ्ट की थी मैं सिंपल भी तो बोल सकती हूँ माई हस्बेंड गेव मी अ वॉच लास्ट संडे ऑन माई बर्थडे लेकिन मैंने स्ट्रेच कर दी इंफॉर्मेशन दिस इज द वॉच वॉच क्या है सब्जेक्ट कि ये वही वॉच है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दी है लास्ट संडे फिफ्थ अगेन पीपल के लिए यूज होता है शी इज़ द वुमन हु आई मेट इन कैफे लास्ट इवनिंग ये वही औरत है जिससे मैं कल इवनिंग कैफे में मिली थी टू हु आई मेट इन द कैफे लास्ट इवनिंग तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है आज आपका ये डाउट भी दूर हो गया है कि जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो हमेशा स्टार्टिंग में ही लगती है सेंटेंस के वो हमेशा सेंटेंस स्टार्ट करके इंटारोगेशन का ही काम करती है नहीं रिलेटिव प्रोनाउन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो सेंटेंस के मिडल में भी यूज होता है और वो सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को डिटेल में प्रोवाइड करता है आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू